सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं मिलिया नवा प्रधान भुपिंदर सिंह असंध बने नवनियुक्त प्रधान रमनीक सिंह मान बने एग्जीक्यूटिव मैंबर। अजनाला च सरकार की शह थले धड़ले चल रही है नजायज माइनिंग। माइनिंग कौन पहुंचे मुलाजमान से माइनिंग कर रहे लोगों ने किया हमला। अमृतसर च वापरिया दर्दनाक सड़क हादसा बस हेठ आने कारण एक नौजवान की हुई मौत। अते हुन खबरां विस्थार दे नाल। हरियाणा सरकार दे मुख सकत्तर वालों जारी पत्र च लिखा गया कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बाबा करमजीत सिंह ते जनरल सकत्तर गुरविंदर सिंह धमीजा वालों इस्तीफा दे दिता गया। इसे दे मद्देनजर कमेटी के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट भुपिंदर सिंह नूं कमेटी के प्रधान ते एग्जीक्यूटिव मैंबर रमनीक सिंह मान नूं जनरल सकत्तर का वाधू चार्ज सौंपिया जाए। अजनाला अंदर नजायज माइनिंग जोरां ते चल रही है। माइनिंग करने वालियां दे हौसले इन्ने बुलंद ने जिन्हां नूं सरकार ते प्रशासन की कोई परवाह नहीं है। माइनिंग अधिकारियों वालों जदों नजायज माइनिंग नूं लैके अजनाला दे पिंड खानवाल ते उसके नेड़े पिंडां च रेड की गई तो माइनिंग के काम विच लगे करीब 15 तों 16 लोगों ने माइनिंग अधिकारियों ते हमला कर दिता अते माइनिंग अधिकारियों की कुटमार की जिस दौरान एक जेई गंभीर रूप से जख्मी हो गया जिसके सिर ते सट लगी है। इत्थे ही बस नहीं माइनिंग करने वालियां ने नाता अधिकारियों की गड्डी की तोड़ की थी ते नाल ही लैके हुण पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। माइनिंग डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी जेडे तलाब मिलने से खानवाल पिंड साइड से गए थे जिथे कुछ व्यक्तियों ने कुछ 14-15 व्यक्ति सके उन्होंने घेर के उन्होंने कुटमार की है सट्टा लाइया ने इन्वेस्टिगेशन जी चल रही है जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की। अमृतसर विच देर शाम एक भयानक हादसा वापरे। इस हादसे विच मोटरसाइकिल ते सवार नौजवान दी बस नाल टक्कर होण नाल मोटरसाइकिल सवार नौजवान दी मौके ते ही मौत हो गई है। मृतक नौजवान दी अजे तक पहचान नहीं हो सकी है। बस ड्राइवर नूं मौके ते ही काबू कर लिया गया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मृतक दी जेब चों एक मोबाइल फोन मिले उस तों उसकी पहचान का पता किया जाएगा। उत्थे ही बस ड्राइवर का कहना है कि उसका कोई कसूर नहीं है। पुलिस वालों उस नूं नजायज हिरासत विच लिया जाए। देर शाम कपूरथला के जरोखाना विखे शराब बेचना एक नौजवान ने शराब के ठेकेदार से हमला कर दिता ते गोलियां चलाई गई। इसकी सूचना मिलते ही थाना सिटी की पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना वाली थान से शराब के ठेकेदार का साथी SHO अमनदीप नार नूं गोली चलाने वाले नौजवानों बारे दस रहा है कि हनेरे विच लुके नौजवान कांग्रेसी कौंसलर के दफ्तर वाल भजे ने जिथे पुलिस ने उन्हों का पिछा करके उन्होंने काबू कर लिया। हालांकि इस दौरान SHO अमनदीप नार की कांग्रेसी कौंसलर के नाल बहस भी हुई है। शराब के ठेकेदार के साथी का दोष है कि नौजवान नजायज शराब बेचण का काम करता जो उसनू शराब समेत फड़िया गया तो उसने गोलियां चला दित्तियां। मौके पर पहुंची पुलिस गोलियां के खोल की भाल कर दी रही पर ना मिल सके जो कि खोल उसे थान तो मिले जिथे गुरप्रीत गोपी ने गोली चलाई सी। गुरप्रीत गोपी ने पुलिस को कबूल किया है कि गोलियां उसने चलाईया सन। इस संबंधी SHO अमनदीप नाहर ने दसिया कि मामले की जांच की जा रही है।
बरेटा दी अनाज मंडी विच नरमे दी खरीद दी शुरुआत मार्केट कमेटी बरेटा दे चेयरमैन चमकौर सिंह खुडाल वल्लों करवाई गई। इस मौके उन्हां दे नाल मार्केट कमेटी दफ्तर बरेटा दे अधिकारी आड़ती ते किसान भी मौजूद सन। बरेटा दी अनाज मंडी विच 15 क्वांटल नरमे दी खरीद हुई है, जो कि घट्टो घट 6650 रुपए प्रति क्वांटल तो वध के वध तो वध 7121 रुपए प्रति क्वांटल दे हिसाब नाल विकिआ। इस मौके जानकारी दिंदिआं चेयरमैन चमकौर सिंह खुडाल ने दस्सिआ कि किसानां नूं नरमे दी फसल दा भाव वधिआ मिल रहा है। मंडियां विच फसल की खरीद मौके किसानां आड़तियां ते मजदूरां नूं कोई भी दिक्कत नहीं आउण दित्ती जावेगी। मोगा दे पिंड तलवंडी दे विच मनरेगा मजदूरां दा काम रोके जाण तों बाद मनरेगा मजदूरां वल्लों पिंड दे सरपंच खिलाफ जम के नारेबाजी की गई। इस मौके ते पिंड वासियां ने जिला प्रशासन तों मंग की कि इस घपले की बरीकी नाल जांच की जावे। इस मामले संबंध जदों ADC विकास अनीता दर्शी नूं शिकायत पत्र देण आए पिंड तलवंडी पिंगेरियां दे रहण वाले हरदीप सिंह खेला ने दस्सिया कि उन्हां दे पिंड विच मनरेगा तहत 10 तों 15 जिहे व्यक्ति ने जिन्हां ने एक दिन भी मनरेगा नाल काम नहीं किया, पर लखां रुपए उन्हां दे खातियां च पए, जिस कारण वड्डे पद्धर ते रुपया खुरदबुरद होया। इस मौके ते उन्हां जिला प्रशासन नूं अपील की कि इसकी बरीकी नाल जांच की जाए, जेकर उन्हां नूं इंसाफ ना मिलिया तां हुमानयोग अदालत दा दरवाजा खड़काउणगे। उधर दूजे पासे जदों मनरेगा तहत काम करन वाले मजदूरां दी हाजरी लगाउण वाली मेट नाल गल की तां उन्हां कैमरे अगे खुद मन्निया कि हाजरियां जरूर लगदियां ने, पर ओह हाजरियां सरपंच साहब वल्लों धक्के नाल लगाईआं जांदियां ने ते जेकर ओह हाजरियां नहीं लगाउंदी तां उस नूं मैट तों लाउण दी धमकी दित्ती जांदी है। उधर जदों पिंड दे सरपंच दे नाल राबता बनाउण दी कोशिश की गई तां ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮਰੇ ਮੂਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੁਣ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡਾ, ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਜਾਜੇ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ। ਸਰਪੰਚ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰਿਟ ਲਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਿਟ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ, 2-3 ਲੱਖ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲਣੇ ਘਪਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ FCI 'ਚ ਜੋਬ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਇੱਧਰ ਨਰੇਗਾ 'ਚ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। जिथे पूरे पंजाब विच 9000 के करीब 3-व्हीलर सड़कां ते चल रहे ने, उत्थे ही दूजे पासे जिला मोगा दे प्रशासन वल्लों 150 तो उपर 3-व्हीलर पिछले 42 दिनां तो बंद किए जाण दे नाल टैंपू चालकां वल्लों अपने 200 के करीब टैंपू हलका विधायक के घर अगे लगा के रात का धरना दिता जा रहा है। धरना 7वें दिन च शामिल हो गया, पर किसी वल्लों भी अजे तक इन्हां दी सुनवाई नहीं की गई, जिसके चलदे आ टैंपू चालकां वल्लों हलका विधायक की कोठी अगे अपने टैंपू चढ़ के जिला प्रशासन ते हलका विधायक खिलाफ जम के नारेबाजी की गई। इन्हों का कहना है कि जेकर पूरे पंजाब विच 9000 ऑटो चल सकता है कि मोगे विच 150 ऑटो नहीं चल सकते। उन्होंने जिला प्रशासन को सख्त चेतावनी दी कि जेकर ऑटो ना चलाए गए तो संघर्ष नवा रूप अख्तियार करेगा, जिसका जिम्मेवार जिला प्रशासन। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਸਾਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਹਰਾ ਪੈਂਦ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਚੱਲੂਗਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 300-400 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੋਲਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ CM ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਜਾਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਆ,
प्रशासन को भी असं मिले हैं, मैं तो तरला भी किया, सारे पंजाब टेंपू चली जाते हैं, तो सानू क्यों 15 पिंडां नू बंद किया। बस इन्हां दे एक ही रट्टा साढ़े हाई कोर्ट की रट पाई है, पहलियां भी सरकारां ही जिहड़ियां रट ते चलाई जांदियां सी, 14 दे विच भी रट पई सी, तो धक्का कर रहे रल के सरकारां, होर तो कोई हल है ही नहीं। कहिंदे मुख्यमंत्री साहब तो कहिंदे रोजगार दे बैंकर उह तां खोल लिया उन्होंने, साढ़े तो बुरकी मूँह चो कढ़ ली उन्होंने, जे सानू रुजगार दिता हुंदा तो यही अज आण के MLA दे बाद च थोड़ो बहना सीगा, ये तो धक्के नाल सानू आण के बहना पिया भी जदों साडा नहीं मसला हल करदे। वो बाहर ही नहीं निकलते, चुप करके गड्डी च बहिंदे आ निकल जांदे आ। कल भी असीं कहा भी सानू CM नू मिल नहीं करा दो, उन्होंने वो नहीं कराई कि चुप करके सानू लारा लप्पा ला के निकल गए। मरहूम पंजाबी गायक शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला कतल मामले विच मानसा दी मानयोग अदालत विच दोषियों की पेशी हुई, जिथे 21 व्यक्तियों नू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही पेश किया गया। इस मौके सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह मानसा कोर्ट पहुंचे ते सरकार दी कानून व्यवस्था नू लेके सवाल चुके। उन्हां कहा कि सरकार हर फ्रंट ते फेल हुई है, जेलां विच शरेआम नशा मोबाइल ते गुंडागर्दी चल रही है, जो सब जेल अधिकारियों की मिली भुगत नाल चल रही है। उन्हें कहा कि जिस नौजवान की जेल की वीडियो सोशल मीडिया से वायरल हुई है, उस तो पुछगिछ करनी चाहिए। इन्नी ज्यादा वड्डी पद्धर दे उत्ते वह बंदा कह रहा, मैं तो वीडियो वेख के हैरान हाँ भी 8 ब्लॉक किराए से चढ़ाए हुए, 5000 तो लेके 35000 तक रेंट है। तुहाडियां सहूलतां के मुताबिक तुहानू फोन दिता जाता है, हरेक ब्लॉक के विच अद्धा घंटा फोन वरतन की आ गया, किसी घंटा आ गया, वह डिपेंड करता तुहाडी जेब चो खर्च करनी समर्था के उत्ते है। तो फिर कितने कानून रहेगा, कितने जो जेल रहेगी, कहते मानसा जेल को तो अभी होस्टल मानते हैं, तो जेल है ही नहीं है, ये तो मानसा का जिक्र आ गया। हाल सारे पंजाब का यही है, जिहड़े बंदे दोषी ने क्रिमिनल अंदर बंद किए हुए ने, मैं तो मानयोग अदालतों को भी दरखास्त करूंगा भी इस चीज से ध्यान दो। एक उन्होंने सच होर दसिया भी एक मुंडे के बॉडी चो ब्लड निकल रहा है सारा अंदरों, कैदी होना कोई स्किन की या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कहते खून बह रहा है, और जेल कहते इन तो वर्क पहले तो मर के खड़ा छूगा। देखो मनुखी अधिकार, तुम लॉरेंस के मनुखी अधिकारों की कदर कर दो, वह भी तो किसी का जवाक होना, जो जेल के बैठा है उसकी बॉडी चो ब्लीडिंग हो रही है बुरी तरह, पर है तो इंसान है तो मनुख है ना, वह भी तो वो इन्नी लापरवाही क्यों है। एक लड़की ने होर जिक्र किया, कादिया रोड से सड़क हादसा वापर गया, जिस दौरान तेज रफ्तार चल रहे दो मोटरसाइकिल सवारों की आमो सामने टक्कर हो गई। इस मौके एक लड़की ते दो नौजवान गंभीर रूप में जख्मी हो गए, जिन्होंने स्थानक हस्पताल च भर्ती करवाया गया, जदों कि ड्यूटी डॉक्टर का कहना है कि जख्मियों का इलाज किया जा रहा है। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी दी रौनकां वेखण नूं मिल रही ने। फिरोजपुर विच भी जन्माष्टमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण के पहरावे विच छोटे बच्चे भगवान श्री कृष्ण की छवि भी खेल रहे सन। मंदिरां दे विच भगतां दीआं लंबीआं कतारां भगवान श्री कृष्ण के दर्शनां दे लई पहुंच रही ने। एक पासे तो अमृतसर के विच ऑटो चालकों की हड़ताल के चलद पूरा शहर ट्रैफिक जाम की समस्या के नाल जूझ रहा, उत्थे ही कुछ नौजवान अपनिया गड्डिया किस कदर कानून दियां धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार ये नौजवान अमृतसर विच पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रधान की आमद नूं लैके भारी गिनती विच गड्डिया ते बैठे नजर आए, जो सड़क से हुड़दंग मचाते वेखे गए।
टांडा पुलिस ने इंस्पैक्टर ओंकार सिंह बराड़ मुख अफसर थाना टांडा जिला हुशियारपुर की अगवाई विच भारी मात्रा विच नशीले पदार्थ समेत दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल एएसआई नरेंद्र सिंह थाना टांडा समेत पुलिस पार्टी ते एएसआई जसवीर सिंह समेत पुलिस पार्टी उस समय वड्डी सफलता हाथ लगी जदों एक औरत ते एक व्यक्ति काबू करके उन्हां पासों भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद होया ते होर डुंगाई नाल पुछगिछ करन ते जिन्हां पासों ये नशा खरीदे ने उन्हां नूं मुकदमे च नामजद किया जा रहा है। फिलहाल दोषियों नूं मानयोग अदालत विच पेश करके इन्हां दा रिमांड हासिल करदिआं होर पुछगिछ की जाएगी। हुण नजर मारदे हां अज दे मौसम दे हाल दे वल। इस दिनाली खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होंदा है। नवियां ते ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत। धन्यवाद।